अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं, जिससे लोगों की जिंदगी और आसान होगी और राजस्व भी बढ़ेगा। अरविंद केजरीवाल सरकार के ये निर्णय सावधानी के साथ अमल में लाए गए तो अर्थव्यवस्था जल्दी पटरी पर लौट सकती है। दिल्ली सरकार ने एक और अहम फैसले में होटलों में कामकाज शुरू करने की अनुमति दे दी है। इसके बाद यहाँ पर अन्य राज्यों से आए लोग ठहर सकेंगे। होटलों को खोले जाने की इजाज़त काफ़ी दिनों से मांगी जा रही थी। अब दिल्ली सरकार ने इस पर यह बड़ा निर्णय लिया है। बता दें कि दिल्ली के होटल अब अस्पतालों से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए दिल्ली सरकार ने होटलों में सामान्य कामकाज शुरू करने की अनुमति देने का फैसला किया है। पिछले एक हफ्ते से हम लोग दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठा रहे हैं। जैसे सोमवार को मैंने ऐलान किया था कि रेहड़ी पटरी वालों को काफ़ी तकलीफ हो रही है, रेहड़ी पटरी वालों को अलाउ किया गया कि वो अपना काम शुरू करें। एक जॉब्स पोर्टल शुरू किया गया जहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जिनके काम करने वाले लोग कोरोना के दौरान फैक्ट्री बंद होने से, दुकान बंद होने से अपने अपने गांव चले गए और अभी लौट के नहीं आए। धीरे धीरे आ रहे हैं लोग, तो उनको काम करने वालों की कमी हो रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि हम कहाँ जाएं नौकरी मांगने के लिए। इन सब लोगों को मिलाने के लिए, जो काम देना चाहते हैं और जो काम लेना चाहते हैं उनको मिलाने के लिए अभी हमने 2-3 दिन पहले जॉब्स पोर्टल शुरू किया था। उसमें इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है और मुझे बड़ी खुशी है। मैंने तो सोचा भी नहीं था, अभी जॉब पोर्टल अनाउंस किए हुए 3-4 दिन ही हुए हैं, लगभग 7,577 कंपनियों ने या काम देने वालों ने अभी तक रजिस्टर किया है। झारखंड में लॉकडाउन 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। अभी तक जिन मामलों में छूट मिल रही थी वह जारी रहेगी। इस संबंध में गुरुवार देर रात मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आदेश जारी किया है। इस संबंध में सभी जिलों के डीसी को निर्देश जारी किया गया है। धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों और सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। सरकार ने पहली से 16 अगस्त तक अनलॉक 3 का ऐलान कर दिया है। गृह विभाग ने गुरुवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया, लेकिन प्रदेश, जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय से लेकर नगर निकायों में 16 अगस्त तक सख्ती जारी रहेगी। बसें नहीं चलेंगी, निजी वाहन ऑटो टैक्सी से आने जाने की छूट रहेगी, लेकिन रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को पूर्णतया प्रभावी रखा गया है। शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट और ढाबा को पैकिंग की छूट दी गई है। सरकारी से लेकर निजी संस्थानों में सिर्फ 50% कर्मियों को बुलाने की अनुमति दी गई है। दुकानों को खोलने की अनुमति स्थानीय स्थिति के अनुसार जिलाधिकारी देंगे। हालांकि कई छूटें भी दी गई हैं। पूर्णिया जिले के बाईसी के चोपड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 4 के मोहम्मद शफीक की पत्नी संजीदा की जांघ में फुंसी के इलाज के लिए एक मेडिकल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के पास गई थी। इलाज के लिए डॉक्टर के क्लिनिक पर नहीं होने से मेडिकल स्टाफ ने फोन से बात करते हुए डॉक्टर के दिशा निर्देश से दी गई गलत इंजेक्शन देने के महज 5 मिनट के बाद पीड़िता के मुंह से खून की उल्टी शुरू हो गई। देखते देखते 5 मिनट बाद ही पीड़िता की मौत हो गई। मृतिका आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका थी। परिजनों ने घंटों हंगामा मचाया और उसी दरमियान अहमद हुसैन भागने की कोशिश कर रहा था। उसी बीच लोगों ने उसको पकड़कर कमरे में बंद कर दिया, जिसकी सूचना डीएसपी मनोज राम को फोन पर दी गई और थाना अध्यक्ष सुनील मंडल को सूचना मिला। दल बल के साथ पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कहा, परंतु मृतक के परिजन उसे नहीं ले जाने दे रहे हैं और बार बार एक ही मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर ने लापरवाही से मेरे मरीज को मारा है, हम भी उसे जान से मार देंगे। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और यहाँ की स्थिति को काबू करना मुश्किल हो रहा है। इसको देखते हुए डीएसपी मनोज राम ने चारों थाने के पुलिस बल को बुलाकर भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की एवं शव को पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया सदर अस्पताल भेज दिया गया। पूर्णिया संवाददाता विभूति सिंह की खास रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद हातिम हुआ। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ, मेरी भांजी भांजी है जिसका मर्डर किया है ये लोग। मेरा भागिन दामाद लेके अपने घर जा रहा था तो एक उसका जांग में एक फुंसी हुआ था, है ना, तो सोचा कि घर ले जा रहे हैं, त्यौहार का दिन है तो दवाई ले लें। यहाँ आया डॉक्टर को, इन लोग के पास दवाई वाले का आया, डॉक्टर था या नहीं था हम नहीं कह सकेंगे,
लेकिन डॉक्टर को दवाई वाला फोन किया, डॉक्टर वहाँ से दवाई वाले को बोला कि ऐसा ऐसा इंजेक्शन दो। उसके बाद ये लोग इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन देने के बाद 5 मिनट के बाद उल्टी, खून का उल्टी शुरू हो गया। उसके बाद डॉक्टर आया, कौन कौन सा सुई दिया नेक्स्ट कह सकेंगे। हम थे विधायक रुकमुद्दीन के पास बैठे हुए, तो मेरी लड़की घर से फोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा क्या ये संजीदा बन इंजेक्शन जो दिया मेडिकल वाला दिया क्या? मेडिकल नहीं, डॉक्टर के कहने पर मेडिकल वाला दिया। जी जी, जो हम आके पूछे मेडिकल वाले को, तो बोला के डॉक्टर को क्या नाम है, मेडिकल वाले का क्या नाम है? मेडिकल जिगर मेडिकल है, जिगर मेडिकल। डॉक्टर साहब का क्या नाम है? डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर अहमद साहब। वो क्या सरकारी अस्पताल में भी उसका? आज गोड्डा जिले के बलबड्डा ग्राम के काली मंदिर के सामने में काढ़ा सेवा शिविर का आयोजन ग्रामवासियों की मदद से किया, जिसमें बलबड्डा थाना प्रभारी ने लोगों को अपने से काढ़ा देकर जागरूक होकर शिविर में पीने को कहा, जिसमें कांग्रेस और बीसी की टीम से कार्यकर्तागण शामिल रहे। अमडंडा थाना क्षेत्र के काजा घुटियानी पुल के पास गुरुवार को एक अधेड़ व्यक्ति का शव पानी में तैरते हुए मिला। शव की पहचान मधुसूदनपुर ग्राम निवासी स्वर्गीय किशन मंडल के पुत्र छोटेलाल मंडल उम्र 50 वर्ष के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह बुधवार की शाम अपने घर मधुसूदनपुर से झोला लेकर बगल में तिलका मंजी चौक पर लगने वाले हाट में सब्जी खरीदने के लिए निकला था, लेकिन रात में वह घर वापस नहीं आया। इसके बाद परिवार वाले ने इधर उधर काफी खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिला। सुबह उसकी लाश पुल के नीचे पानी में तैरते हुए मिली। इस तरह की घटना को लेकर आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही अमडंडा थाना प्रभारी बबलू कुमार ने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया, साथ ही घटना को लेकर मामले की छानबीन कर रही है। सनहौला से महमूद आलम की रिपोर्ट। सनहौला प्रखंड के सनोखर बाजार निवासी 70 वर्षीय आचार्य नंदकिशोर पांडे ने गुरुवार को श्रावण महीने की एकादशी तिथि के अवसर पर सनोखर बाजार निवासी शिक्षक अर्जुन केसरी की पुत्री समीक्षा केसरी के अन्नप्राशन संस्कार के दौरान सत्यनारायण प्रभु की कथा के दौरान कहा कि कलयुग में सत्यनारायण स्वामी की कथा करना अत्यंत कल्याणकारी होता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हिंदू को अपने अपने घरों में विभिन्न मौकों पर वर्ष में कम से कम एक बार सत्यनारायण प्रभु की कथा अवश्य करानी चाहिए। इस कथा से कथा श्रवण करने वाले एवं कथा आयोजन करने वाले सभी श्रद्धालुओं को सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे श्रद्धालुओं के यश धन व ऐश्वर्य में वृद्धि होती है और लोगों के संपूर्ण पाप का नाश हो जाता है।